इस महारैली में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। इंडिया गठबंधन की महारैली आज जो रांची में हो रही है, मैं उसमें आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं, जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग हैं। लोग आ भी रहे हैं अभी तक, ये ऐलान हो रहा है यहां से कि दो लोग जो 2014 में आए थे वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि समय समय पर नगाड़े, ढोल और स्वागत के लिए कार्यक्रम हुए हैं, कभी कभी बीच में भी ढोल बज जाता था। मैं अपने तमाम साथियों से यह कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो, और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद ना हो। मंच पर बैठे हुए गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, विवेक गुप्ता जी, और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है,
हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं, ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो 10 साल में नौकरी तो दूर। इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है, देश की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी सबकी इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वही गारंटी है जो हमें हक, हमें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। झारखंड के लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, राजनीति में बहुत दबाव के मौके देखे हैं, समय देखा है, लेकिन झारखंड के लोग न कभी घबराए न कभी डरे, और जब कभी भी ऐसी सत्ता आई, उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं, पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। और हम अपने तमाम झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, दुनिया के जो भी तानाशाह आए हैं,
वो लोकतंत्र के और वोट के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमें जब वोट डालने का मौका मिले तो हमें सावधान भी रहना है और मतदान भी करना है, क्योंकि इस बार का जो फैसला है वो हमारा लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और आपका ही वोट हेमंत सोरेन जी को बाहर लेकर के आएगा, आपका ही वोट अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेकर के आएगा। इनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप तो हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। कभी किसी ने सोचा था कि 1,000 करोड़ चंदे में पैसा लिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए चंदे में लिए जाएंगे, 500 करोड़ चंदे में लिए जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन आपको लगा दी और चंदा खुद वसूल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं। और जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है।